अब तो माँ तो गई, बच्चों को नहीं देख रही कि वो घर में है। अब बच्चा पहुँच गया, माँ उधर पानी भरने लगी, उधर बच्चा कट गया लाइन पे है। हाँ, तुम चाहे जो पानी पीने का जो है रेलवे के वो पास जाते हैं, पता नहीं थोड़ी धोखा हो जाए तो ट्रेन में कट सकते हैं। यहाँ पानी के लिए गर्मी के टाइम में लाइन लगाना पड़ता है लोगों को, और रात में 4 बजे के टाइम में सुबह भोर में भरते हैं, शाम के 8 बजे रात तक भरते हैं लोग पानी, तब इतनी बड़ी बस्ती को पानी किसी तरह से पूछ पाता। तब पानी का इंतजार करो महतारी हरा, नहीं हम आप बहु बहु आफत हो रही है। इसमें सारे लोग पानी भरते हैं पूरे गांव का, जो प्रधान के लगे हम लोग जाते हैं, प्रधान भी सुनता नहीं है, सचिव भी नहीं सुनता है, 10 बार उसके पास जाना पड़ता है हमको होने कि आप हमारी तो कोई सुनता भी नहीं है, वहां से भगा दे, तेरे जाओ प्रधान के बोलो, प्रधान वहां कराएगा। अब प्रधान के पास जाते हो तो बोलता है कि मैं तो उस गांव से जीता भी नहीं हूं। अरे तू प्रधान बना है तो सबके लिए बना है ना, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पानी की व्यवस्था तो है, यहाँ ट्यूबवेल अंदर पड़े हैं, ग्राम सभा की जमीन है ये पास में, 2 ट्यूबवेल हैं बड़े वाले, लेकिन वहाँ लाइट पहुँचाई जा रही है, सबमर्सिबल वो सरकारी है जी, पानी चलता था लेकिन वो बंद हो गया, वहाँ भी बंद करवा दी, बिगड़ गया, समरसेबुल निकलवाए रहे थे फंस गया। पानी में बह रहे नहीं, रात में पानी भरने जाने हैं दीदी जी, आज लोटिया में भरते हैं नहीं, बाउन जाऊ उतर उतर लोटिया में भरते हैं का है? हाँ लोटिया में भरते हैं, ये लोटिया है वो जैसे वो नाते पानी पीते बोती होती लोटिया लग जाते हैं पानी भरने रात। हमारे गाँव में कलौनिया नहीं आ रही, रोड बाधूरी पारी है, अंत अंते कमरा मिल रहे हैं, इधर पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइन के व्यापार है, गदेला जाते हैं, ट्रेन आ जाती है तो गिर पड़ते हैं, भागते हैं। तो लाइन के किनारे बसा है गांव? हाँ लाइन के किनारे, कितना दूर है? ये भैरम बाबा ये पास में बैठे। तो हाँ, पानी कहाँ से लाती हैं आप? वही पार से, उस पार से लाते? हाँ उस पार से लाते हैं ना, इधर है तो बैसाख में सुखा जाता है, तो फिर सब लोग उधर जाते हैं। वोट के खातिर आवत है तो लग जाते, क्या कहती कहते हमें वोट दिया तुम्हें बनी तो वोट लाई ले थे, न घर दिन न दुआर दिन, आना देखो हमें का ये है रोड भर बनी, हमें का चलो देखा। अच्छा हाँ, तुम्हें गोड़े में चपेट लाग जाये है बड़े ढोकन के न, हमें तो कतौ को दिया था कि ले तुम्हें तुम्हें मिला था पैसा पेंशन नहीं दिया था ही। हमें कहा थे अभी मरा इनका दूधात बाल इनका लिख लाएगी, आ हमें कहे तुम्हें नहीं लिखे का। 3-4-5 महीना होगा गल्ला मिले नहीं है। हाँ अंगूठा नहीं, अंगूठा तो भला लगता है नहीं है तो ऐसे नहीं देता। तो कैसे आप अपना घर का चलाती हैं? अब कैसे अभी तक कमाई था या खाई था? क्या काम करती हैं? अब जहाँ काम मिला तही तक था जंगल पहाड़ ही था गायन तला आप खाई था। कम से कम यहाँ 700 जनता है, कोई किसी के पास आज भी कॉलोनी नहीं आए, किसी के पास नहीं है एक भी, आज तक जो है प्रधान की कोई चिंता नहीं है, क्या है ना कभी आज इतने कम से कम 9 महीना हो गए प्रधान आज तक नहीं आए, क्या दिक्कत है यहाँ, क्या कर रहे हैं, कब तक खा रहे हैं भाई, लॉकडाउन लग गया कोई मजदूरी है नहीं, हर घर में देखिए क्या दिक्कत उनके जी रहे हैं, किसी के घर में अभी मान लो किसी को जो है बीमार हो गए 10,000 की जरूरत है तो पैसा भी नहीं, तो दम तो टूट ही जाएगा ना। एक से एक नेता लोग आए, वो भैरम बाबा उधर बैठे हैं हमारे, वहाँ कसम खा के भी गए हैं कि हम यहाँ आएंगे तुम्हारा पानी का व्यवस्था कराएंगे, तुम्हारे यहाँ कुआं खना देंगे, उस पार तुम इस पार नहीं आओगे बच्चों को लेके। कोई आदमी जो यहाँ से जीत के चला जाता है दीदी दोबारा भाई के नहीं निहारता, कि वो लोग मर गए पियासन के मारे या भूखन के मारे या काम के मारे,
कोई भाई के नहीं निहारता ना हमारे यहाँ कोई विकास होता है। ओगी जी से हमेशा खुश हैं, खुश रहेंगे। बाकी इनके जो बीच के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, ये जो छोटों को नहीं देख रहे हैं, जैसा हम जिस वोट देते हैं, चाहे प्रधानी को हो, चाहे BDC को, चाहे विधायक को, चाहे सांसद को, कहीं को, तो आदमी ये लगाते चलो आज ये पार्टी रहेगी कुछ अच्छा करेगी, आदमी ये विश्वास में वो करती है। जब बन जाते हैं तो वहाँ से तो कार्य सही होता है, बाकी यहाँ वो कार्य नहीं हो पा रहा। ये बड़ा मुद्दा कोई आज का नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। वैसे भी पाठा क्षेत्र पानी के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या है पानी की। हर बारी चुनाव आता है, चुनाव होते हैं, नेता मंत्री विधायक सांसद सब बन जाते हैं, लेकिन इस समस्या में आज तक भी कार्यवाही नहीं हुई है, आज भी वही स्थिति है। अब ये है कि फिर से विधानसभा चुनाव आ गए हैं, नेता मंत्री यहाँ पर आएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, लोग वोट करेंगे, लेकिन पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी या इस पर कार्रवाई होगी। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।